हम आपको दिखा रहे हैं पीएचक्यू की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और उनके साथ यहां पर डीजी मौजूद हैं। और ये दरअसल महत्वपूर्ण मीटिंग, दो दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने आज तमाम जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अपने जिलों का आंकड़ा पेश करेंगे। और मुख्यमंत्री इस दौरान हर जिले की स्थिति को देखेंगे, परखेंगे, और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की खाकी के लिए क्लास है, क्लास उनकी ली जाएगी और पूछा जाएगा कि जरा बताइए अपने जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ किया गया, क्या कुछ नए कदम उठाए गए। 33 जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पेश होंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, ये बताएंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं जिससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, अपराध पर लगाम लगे। क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी लगातार कानून के मामले पर सरकार पर हमलावर है, उसके बाद दो दिन की कॉन्फ्रेंस ये रखी गई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की जाएगी जिनको अपराध में बढ़ोतरी का कारक माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान तमाम एसपी के जो काम है उनको परखेंगे, और मुमकिन है कि यहां पर इस दो दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिनके काम से हो सकता है मुख्यमंत्री खुश ना हो, या तो उनको कड़े निर्देश दिए जाएंगे या फिर मुमकिन है कि बदलाव यहां पर कर दिया जाए। लेकिन इस दौरान देखना दिलचस्प होगा कि किस जिले के एसपी के जरिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं, प्रेजेंटेशन यहां पर दिया जाएगा और प्रेजेंटेशन के जरिए यह बताया जाएगा कि जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, कानून का इकबाल कायम करने के लिए जिले में क्या कुछ किया गया है, उन समस्याओं पर भी, उन कमजोरी पर भी ध्यान दिया जाएगा जिनकी वजह से अपराधियों में खौफ खत्म हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है या कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिवसीय एसपी कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचते हुए, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, और ये 33 जिलों के एसपी यहां पर मौजूद हैं जो बाकायदा प्रेजेंटेशन के जरिए अपने जिले का लेखा जोखा यहां पर पेश करेंगे और हर जिले की रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी आंकड़ों के साथ। यकीनन मुख्यमंत्री भी पूछेंगे कि अगर आपके जिले के अंदर अपराध बढ़ा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या उन वजहों की समीक्षा आपने अपने स्तर पर की, समाधान करने की कोशिश की गई, अगर समाधान किया तो उससे क्राइम में कितना कमी आई, और जहां पर यकीनन क्राइम कम होगा वहां पर शाबाशी भी मुख्यमंत्री मुमकिन है कि एसपी को देते हुए दिखाई दे। लेकिन ये दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री जब पीएचक्यू पहुंचे उस दौरान की, और दूसरी अंदर की जहां पर तमाम जिलों के एसपी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ मौजूद हैं। सत्यनारायण, मुख्यमंत्री पहले कुछ निर्देश यहां पर देने वाले हैं, एक एक करके जिलेवार प्रेजेंटेशन के जरिए कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण करते रहेंगे। देखिए विजय, बड़ी बैठक है मुख्यमंत्री की, और बता दूं आपको कि जिस प्रकार से ये पूरे 8 माह के कार्यकाल के अंदर पांचवी समीक्षा की बैठक है जिसमें तमाम प्रदेश के आईजी और एसपी मौजूद हैं, तो कम माना जा रहा है कि सभी को दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। इसके अलावा मेन मुख्य बात ये भी है कि प्रदेश में बढ़ते अपराध को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, महिला उत्पीड़न के मामले हो, चाहे वो मोबिलिटी के मामले हो, चाहे वो अन्य मामले हो, तमाम इन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और सबसे अच्छी बात की जाए समय की पाबंदी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गहलोत ने दिखा दिया कि मीटिंग शुरू होने के 10 बजे और 10 बजे एक्यूरेट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसे 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंच गए, तो एक समय की पाबंदी की भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए।
जी बिल्कुल, और इस दौरान साधारण जानकारी लग पाई कि सबसे पहले किस जिले की कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी या कहीं के प्रेजेंटेशन के जरिए एसपी बताते हुए नजर आएंगे कि जिले में अपराध पर काबू करने के लिए क्या कुछ किया गया, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस है? बिल्कुल, साथ ही मंदिर पर जो नया कॉन्फ्रेंस हॉल है उसका उद्घाटन भी होगा, उसके बाद में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसके अंदर तमाम एसपी पहले ही होमवर्क करके आए हैं, वन टू वन संवाद करेंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे वो आईजी हो चाहे वो एसपी हो, क्या कुछ उनकी कार्य दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देश कितने खड़े उतर सके हैं, वो कौन कौन से एसपी ऐसे हैं जो अपनी कार्य प्रणाली पर कमजोर खड़े उतरे हैं, तो माना जा रहा है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर जरूर जारी होंगे। दो दिन की ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद में मुख्यतः एक सूचना आ रही है कि उसके बाद में एक ट्रांसफर लिस्ट भी आएगी जिसके अंदर जो कमजोर एसपी माना जा रहा है उसका तबादला निश्चित किया जाएगा। सत्यनारायण, सबसे पहले कौन से संभाग के एसपी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं? सबसे पहले जो हमारे पास सूचना आ रही है कि सबसे पहले जयपुर, अलवर और उसके बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नर, उसके बाद में जोधपुर कमिश्नर और उसके बाद में तमाम जिले हैं वो धीरे धीरे प्रेजेंट देंगे, लेकिन सबसे पहले उदयपुर की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक ये बात निकल कर नहीं आ सकती है कि उसके बाद में किस प्रकार संवाद होगा। हालांकि ये जानकारी दे दी गई वन टू वन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वन टू वन संवाद करेंगे तमाम एसपीओ से, तमाम जो आईजी होंगे संवाद करेंगे, क्योंकि मुख्यतः उनका एजेंडा है वो एजेंडा यही है कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को किस प्रकार से लगाम लगाई जा सके, महिला उत्पीड़न के मामले हैं उसको अंकुश लगाई जा सके, साथ साथ परिवादी अगर थाने में जाता है तो परिवादी की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत का एजेंडा साफ है कि जो परिवादी थाने में आता है उसकी सुनवाई हो, उसको न्याय मिल सके और जनता में मैसेज जाएगी आमजन में विश्वास और अपराधी में डर का जो मुहावरा है राजस्थान पुलिस का वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सके, और उसी पर कार्य करने के लिए तमाम आज का एजेंडा है, ये मुख्य एजेंडा यही रखा गया है। खुद देशी एसओ गाजी स्वरूप यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, इसी तरह मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस हॉल के अंदर पहुंच चुके हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर तमाम जिलों की जो एसपी हैं वो पहले से मौजूद हैं, प्रेजेंटेशन तैयार है और अब एक एक करके प्रेजेंटेशन यहां पर देखी जाएगी। उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये तथ्य होंगे कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से जिले के अंदर बनाने की कोशिश की गई, क्या कुछ नवाचार यहां पर किए गए हैं, कितने अपराधियों को पकड़ा गया है, कितनी क्राइम हुई है, क्राइम का परसेंटेज क्या कुछ है, और मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, मुख्यमंत्री बाकायदा कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं और अब कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होने वाली है, लेकिन क्या इस दौरान टाइम लिमिट किया गया है कुछ कि एक जिले के एसपी को इतने मिनट मिलेंगे और उतने मिनट के अंदर अपनी बात को पूरा करना होगा, प्रेजेंटेशन को पूरा करना होगा? देखिए, अभी तक टाइम लिमिट नहीं बताई गई है, हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक जो एसपी है, प्रत्येक जो आईजी है, उनके वन टू वन संवाद रूपरेखा बनेगी किस प्रकार से कल लेंगे, लेकिन ये बात है कि जो एसपी जो साबित हो रहे हैं उन पर जी जी बिल्कुल सत्यनारायण, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन के जरिए एसपी दरअसल अपने जिलों की रिपोर्ट यहां पर मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुमकिन नहीं होगा इस दौरान शायद मीडिया को अलाउ किया जाए, इसलिए जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उस दौरान ये जानकारी जरूर लगेगी कि कौन से जिले के एसपी ने क्या कुछ रिपोर्ट यहां पर तैयार की है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी जिलों के एसपी यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेजेंटेशन हर किसी के पास और वो अपने जिले की रिपोर्ट यहां पर रखेगा। इस दौरान अलवर एसपी क्या कुछ प्रेजेंटेशन के जरिए बताते हैं इस पर हर किसी की नजर रहने वाली है, क्योंकि अलवर के अंदर अपराध को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और बीते दिनों के अंदर भी ऐसा हुआ है। वहीं जयपुर की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जोधपुर की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, सीमावर्ती जो ज़िले हैं हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, वहाँ की रिपोर्ट भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, बाड़मेर हो, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है वहाँ पर एसपी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने दो दिन की कॉन्फ्रेंस ये रखी है जिसमें खाकी की क्लास ली जाएगी। इस दौरान निर्देश भी दिए जाएंगे, कड़े सवाल भी किए जाएंगे और मुमकिन है कि दो दिन के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो शायद कड़ी कार्रवाई भी नजर आ जाए, तबादलों के तौर पर
या फिर किसी और तरीके से उनके खिलाफ जो बेहतर काम नहीं कर पाए या प्रेजेंटेशन के जरिए बता नहीं पाए कि जिले के अंदर वो कर क्या रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टाइम के पाबंद, 10 बजे से कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी और मुख्यमंत्री ऑन टाइम वहां पर मौजूद, और ये अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से टाइम के प्रति गंभीर, और ये गंभीरता अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी दिखाई दे रही है, और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने सभी एसपी की बैठक यहां पर बुलाई है और बैठक बुलाकर हर किसी से पूछा जा रहा है कि ज़रा बताइए अपने ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए आप लोगों ने आखिर किया क्या है। और इसीलिए तमाम जो एसपी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद, पुलिस मुख्यालय के अंदर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो कौन से तथ्य जिनकी वजह से अपराध पर लगाम लगाने में मुश्किल हो रही है, वो कौन सी बातें जिनकी वजह से पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही, अपराध पर काबू नहीं कर पा रही, या फिर वो कौन से फैक्टर जिन्होंने अपराध को कंट्रोल करने में मदद की है। इस दौरान सबसे गंदा रिपोर्ट कार्ड किस ज़िले का रहता है, सबसे बेहतर रिपोर्ट कार्ड किस ज़िले का रहता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, इससे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग हो, अपहरण हो, फिरौती हो या फिर गैंगरेप की घटनाएं बीते कुछ महीनों के अंदर दिखाई दी, और इस दौरान पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए, पुलिस पर सवाल कई तरीके से खड़े हुए, कहीं पर पुलिस के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए तो कहीं पर थाने के बाहर ही आत्मदाह जैसी घटनाएं सामने आई, और इनको लेकर बाकायदा पुलिस कटघरे के अंदर रही है। तो ये घटनाएं किस तरीके से कम की जाए, किस तरीके से पुलिस का इकबाल कायम किया जाए, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, इस नारे को किस तरीके से धरातल पर मजबूती के साथ लोगों के सामने रखा जाए, उनको विश्वास कराया जाए कि पुलिस हर हाल में आपके सहयोग के लिए मौजूद और आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमले करते आया है। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है उसके अंदर की, जहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर तमाम एसपी अलग अलग ज़िलों के जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के जो हमले यहाँ पर हो रहे हैं उनको देखते हुए दो दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई है, और मुख्यमंत्री वैसे भी अपराध पर बेहद गंभीर हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति, और आते ही उन्होंने यह आदेश दे दिया था कि किसी भी हाल में अपराध पर अंकुश लगाना है। और ये जो बैठक यहाँ पर चल रही है इसमें जयपुर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, सभी आईजी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं, डीजीपी और एसीएस होम भी यहाँ पर शामिल हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या मुख्यमंत्री पहले ब्रीफ करने वाले हैं या फिर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेजेंटेशन शुरू होगी, और क्या बीच में कोई गैप यहाँ पर रहने वाला है कि हर एक ज़िले के एसपी जब प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे तो क्या मुख्यमंत्री के साथ कन्वर्सेशन यहाँ पर होगा या फिर नए एसपी का नंबर आएगा? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री को हमको सूचना मिल जाएगी, पहले तमाम एसपी और आईजी हैं वो सभी अपने अपने जिलों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे। एक समय कम है, दो दिन तक उनके पास, लेकिन जिले जो प्रदेश में जिले आगे के अंदर पहले प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो भी होगा उसको बाकी रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात है कि अपराध से लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं, तमाम जिलों के एसपी और आईजी मौजूद हैं, साथ साथ एसडीएम होम यहाँ मौजूद है, दीपिका का जो वो मौजूद है। तो माना जा रहा है कि काफी बड़ी और अहम बैठक है गृह विभाग के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से इस 8 महीने के अंदर अपराध
जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो उसको रोकने के लिए किस प्रकार के कदम अब उठाने होंगे, किस प्रकार से ये जब फेल और क्या कुछ कमी रह गई सिस्टम के अंदर, उसको सुधारने के लिए क्या कुछ नए उपयोग प्रयोग हो सकते हैं, तो इसी को लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री की जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है और अब वन टू वन संवाद किया जाएगा तमाम एसपी के साथ, तमाम आईजी के साथ, और उसके बाद में जो प्रत्येक एसपी जिस एसपी के इलाके के अंदर अपराध बढ़ रहा है और उस अपराध के प्रति एसपी ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है वो उस एसपी को बताना होगा। बिल्कुल। अच्छा सत्यनारायण, ये बताइए क्या इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो दो दिन चलने वाली है मीडिया अलाउ रहेगी? बिल्कुल, मीडिया अलाउ रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि जो भी फैसले हो वो तब सामने आए, इसलिए मीडिया भी अलाउ रहेगी। जब हम यहाँ पर पहुंचे और चलिए सत्यनारायण आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर उतरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर एसपी की क्लास ले रहे हैं और इस दौरान ये क्या वाकई में इस मंथन में निकलकर सामने आ पाएगा कि अपराध को रोकने के लिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा अपनाया जाए कि हर जिले के अंदर एक साथ अपराध पर लगाम लगाई जा सके।